पाकिस्तान की सरहद पार कर गैरकानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर अब पिछले 3 दिनों से गायब है। वो ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में सचिन के घर पर नहीं है। प्यार की खातिर बच्चों संग भारत में दाखिल होने वाली सीमा हैदर के अचानक गायब हो जाने से चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है कि जिस सीमा हैदर ने भारत की नागरिकता पाने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया वो कहां चली गई, जिसने हिंदू धर्म अपनाया, तुलसी पूजा करने की जिसकी तस्वीरें आईं, वो सीमा जो हिंदुस्तान के तारीफ के कसीदे पढ़ते जिसकी जुबान नहीं थकती, वो अचानक कहां गायब हो गई। उसके साथ साथ सचिन भी गायब है, वो भी पिछले 3 दिनों से नजर नहीं आ रहा है। शुरुआत में माना गया कि दोनों मीडिया से बचने के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों को खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ के लिए उठाया है। खबर है कि सचिन मीणा के चाचा ने एक चैनल से इशारों में बताया कि खुफिया एजेंसियों ने दोनों को किसी गुप्त स्थान पर रखा है। सीमा और सचिन दोनों पुलिस और ATS की निगरानी में है। दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी है कि पुलिस ने अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं कही है। सचिन के घर का दरवाजा पिछले 3 दिनों से बंद है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सचिन के पिता घर पर ही मौजूद हैं। दरवाजे पर एक पर्ची चिपका दी गई है। इंस्टाग्राम पर सीमा एक्टिव नहीं दिख रही है। सीमा से पहले भी ATS 2 दिन तक पूछताछ कर चुकी है। सीमा हैदर को लेकर जांच एजेंसियों की जांच अभी भी जारी है। जांच एजेंसियां सीमा हैदर का कराची कनेक्शन ढूंढने में जुटी हुई हैं। सीमा हैदर पर लगातार जासूसी का शक बना हुआ है, इसके चलते उसे पूछताछ चल रही है। हाल ही में की गई पूछताछ में सीमा हैदर ने बताया कि वो अपने पति गुलाम हैदर के बिना तकरीबन 4.5 साल तक रही थी। वहीं अब सीमा के दिए गए इस बयान से पूरे मामले में नई थ्योरी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जांच एजेंसियों को सीमा हैदर के कुछ जवाब लगातार उलझा रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।